हे गाइस, गुड मॉर्निंग. हैप्पी मकर संक्रांति है और शर्मा जी का बर्थडे है. और शर्मा जी है ही नहीं. मॉर्निंग उठने के पहले से मैं 6:15 बजे उठ गई थी. तो बाहर देखी तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था और नहाने की हिम्मत नहीं हो रही है. हालांकि सूरज निकलने के पहले नहाने का है, लेकिन मेरे से नहीं हो रहा है. सूरज अब निकल गया है और हम गर्म पानी पीते हैं और चाय पीते हैं. हम खुशी को उठाते हैं. बोल रही थी मुझे सवेरे उठाना. खुशी चल, ना उठना है, 7 बज रही ना. वो ठंडे पानी से नहाना पड़ता आज. चाय बन रही है, हम चाय लेंगे. हैप्पी बर्थडे. डर गया. डराने का तरीका है. अभी तो जिम से आया मैं. हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे पापा. थैंक यू. ये नींद में से उठी अभी. चलिए अभी नहाते धोते पूजा पाठ करते और मॉर्निंग अपनी अच्छी करते हैं. सो गाइस, हमारा भावेश जा रहा है अभी और वो जाएगा मंदिर. ये जा, वहाँ पे रहता ना कुछ तो चढ़ा देना वहाँ रख. सो गाइस, मैं बनाऊंगी अभी खिचड़ी क्योंकि यही भोग लगता है भगवान को. कान्हा जी ने पहना है स्वेटर, ठंडा लग रहा है ना बहुत. भगवान जी का भोग, छोटी पतंग. सो गाइज, हमारे में कुंडा कड़पना होता है तो मैं वही कर रही हूँ. बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो गई थी क्योंकि शर्मा जी बोल रहे थे लेट हो रहा है मंदिर जाने. सो गाइज, मेरा हो गया कुंडा कड़पना और अब मैं जाऊँगी मंदिर. शर्मा जी भी रेडी हो गए और हम अभी. सो गाइज, मैं थोड़ा सा लेट हो गई और अब जा रही हूँ मैं मंदिर. और खुशी नहीं आ रही, अब हम डायरेक्ट ही आएंगे दोपहर में. ठीक है? ठीक है, चल बाय बाय. बाय बाय. मंदिर में बहुत भीड़ है. माता जी को साड़ी चढ़ा दी मैंने. भीड़ है मंदिर में, बहुत भीड़ है. चलिए, हो गए हमारे दर्शन, अब जा रहे हैं हम. मैं आ गई हूँ इधर. हाँ, और पापा के यहाँ आए हम, मेरे सास ससुर के यहाँ. चलिए. सो गाइज, बहुत अच्छे मूड से गए थे मम्मी पापा के यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर वो जो हुआ वो बहुत बुरा लगा. लेकिन कोई बात नहीं, हम गए थे, हमने हमारा फ़र्ज पूरा किया, बस इतना ही. सो गाइज, अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और मैं जा रही हूँ मेरी मम्मी के यहाँ. सो मेरे मम्मी के यहाँ पहुँच गए हैं और पहले पापा बैठे रहते थे, अब मेरी मम्मी बैठी है दुकान में. तो उधर शर्मा जी धोख दे रहे हैं और अभी मम्मी को भी धोख देंगे. तो यार, कभी कभी बच्चे बुरे नहीं, बच्चे गलत नहीं होते. बच्चे अपने हिसाब से फ़र्ज़ अगर पूरा करते हैं तो माँ बाप का भी फ़र्ज़ माँ बाप ने पूरा करना चाहिए. आज बहुत दिल को बुरा लगा, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है. बहुत से ज़िंदगी में दुख झेले हैं तो ये छोटे मोटे तो चीज़ें चलती रहेंगी. चलिए हम ऊपर जाते हैं. खाना, और ये है मेरी भाभी. मेरे को बहुत से लोगों ने बोले तुम्हारी भाभी नहीं दिखती. ये है मेरी भाभी और ये बना रही है रोटी. चलो. सो गाइज, मेरा तो यही मानना है, कितने भी बड़े हो जाओ अपना बचपना मत छोड़ो. सो मैं इसमें आ गई हूँ और मैं ट्राई करके देख रही हूँ क्योंकि और अभी वॉइस ओवर करते करते भावेश परेशान कर रहा है मुझे. मजा आई. एक मिनट. गाइज, बहुत सारी है ना, बहुत हवा बोल रही हूँ, बहुत आवाज आ रही है गानों की, तो इसमें वॉइस ओवर करना पड़ेगा मुझे. तो मैं आई थी माँ के यहाँ. चलिए, अभी लाया जंपिंग जपक. चलो मैं जा रही हूँ. बाय बाय ईश्वरी. बाय बाय. चलो, भूख लग रही है यार मुझे. थोड़ी सी रोटी वो शिमला मिर्ची और खिचड़ी बनी है, लेकिन मैं रोटी और शिमला मिर्ची खा. बस बस, चलिए चलो 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 चलिए. हम खाना लेके जाते नहीं. साड़ी लाइए मेरे लिए, मैं साड़ी देख लेती. चलो यार. मेरे माँ ने हर एक साड़ी खोल के मुझे बताई, जो पसंद आई वो कलर ले ले. तो मुझे ये कलर पसंद आया. मेरे लिए साड़ी है, बहुत सारी साड़ियाँ ली है मेरी माँ ने. तो ये. सो गाइज, मैंने ये कलर चूज किया. कलर तो बहुत अच्छे अच्छे थे. गाइज, हमको टीका निकाला जा रहा है. बिल्कुल खा गोल गोल बोला. सो गाइज, साड़ी तो मेरी मम्मी ने ली थी मेरे लिए, लेकिन मैं संक्रांत को गई थी. मैं जाती हूँ हर साल, इनके साथ में जाना ही होता है मुझे. तो मम्मी ने फिर संक्रांत के टाइम. तो गाइज, मेरी मम्मी ने सबके लिए साड़ियाँ ली है, भाभी के लिए, मेरे लिए और उनकी इनकी दीदी के लिए, सबके लिए साड़ियाँ ली है मेरी माँ ने. तो मैंने मेरी माँ को धोख नहीं दिया, अभी देती हूँ मैं. तिलगुल खा गोल गोल बोला. अरे लड्डू खा रहे नहीं है, थक गए. लड्डू खा के थक गए इसकी. संस्कृति है. हाँ, संस्कृति है वो.
तो लड्डू खाना ही पड़ेगा। खिसे में रख ले, तू खा ले। गाइस बाय। सो बाप मेरे बच्चा बच्चा ये बच्चा बिल्कुल बात नहीं करता। आवाज वायर ले लिया हमने, जाते हैं हम। सो गाइस हम जा रहे हैं अभी शेगा दर्शन के लिए, बाबा की। बाबा के दर्शन बिना हमारा कुछ वो नहीं हो सकता, बाबा के दर्शन करे कि सब कुछ सही होता है हमारा। मैंने देखे चार्ज, मेरा मोबाइल बिल्कुल चार्ज नहीं था मॉर्निंग में, तो मैंने ये लाया है केबल, वहाँ से जो लिए ना हमने वो केबल लिए वहाँ से। तो चलिए मैं लगा देती हूँ क्योंकि बिल्कुल चार्जिंग नहीं मेरे मोबाइल में। मैं उतर गई हूँ पार्किंग में से क्योंकि ना बहुत हार्ड जाता है मुझे, तो मैं यहाँ रुकूंगी, शर्मा जी आएंगी उधर। मैं इधर से आई है, इधर से आया, हम दोनों भी अब जा रहे हैं। हो गए दर्शन। आज हमारा नंबर तीसरे माले पे लगा हुआ है, तीसरा ही है ना, हमारा अरे है तीसरे माले पे। जाम लिया हमने पेरू, हमने गाड़ी कहाँ रखी याद नहीं है शर्मा जी को? हाँ सचिन, हाँ तुमने गाड़ी कौन सी? चलिए यार हम आ गए घर पे, 2:30 बज गई है अभी। खुशी के पापा ने खुशी के लिए लाए गिफ्ट, ऐसे हाथ हैं। हाँ मस्त हाथ है। तो गाइस चलिए अभी दियाबत्ती करती हूँ, शाम हो गई है। सो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ और अभी निकलते हैं, हम बाहर जाएंगे खाना खाने के लिए। और आज भगवान को भोग तो वैसे खिचड़ी का लगना था तो सवेरे ही लगा दिया था मैंने, और अभी हम निकल जाएंगे। और भावेश का इतना मेरे को गुस्सा आ रहा है ना, ये देखो मेरा चेहरा भी हो गया थोड़ा सा गुस्से से। और ये देखिए मेरा ना ये सूज गया, क्या पता कैसे सूज गया। इतनी भयंकर कनपट्टी में दूंगी ना तो जिंदगी भर याद रखेगा। हाँ अब मेरे को बहुत भयंकर गुस्सा आया है, ये इतना काला हो गया कि साल भर इसका कलर आने के लिए टाइम लग जाएंगे। वो वापस जो है उसका रियल इतना भयंकर काला होके आ गया वो एक दिन। सनस्क्रीम लाना, ये देखिए कैसे बच्चे और ये और के खाओ ना। सो गाइस भैया ने केक और इनके लिए बुके वगैरह लेकर आए थे भैया, तो नहीं तो शर्मा जी ने मना कर दी थी केक कटिंग के लिए। वो तो हैप्पी बर्थडे, शूटिंग तो चालू कर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो दिल को लग जाती है, तो आज शर्मा जी का मूड कुछ ठीक नहीं था। जैसे मॉर्निंग में हम मम्मी पापा के यहाँ गए जब से, तो उन्होंने केक कटिंग वगैरह के लिए हमको मना कर दिया था, लेकिन भैया का मुझे कॉल आया था तो मैंने बोला कि नहीं कुछ करने वाले नहीं हैं क्योंकि इन्होंने मना कर दिया है। तो भैया वहाँ पर लेकर आए और भैया ने ही ज़बरदस्ती हमको वहाँ पर बुलाया था। सो हमने प्लान कर लिया और शर्मा जी को लेकर गए और अच्छे से उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया हमने। गाइस हमारा ना केक कटिंग वगैरह हो गया लेकिन यहाँ ऑर्डर ही जल्दी नहीं आ रहा हमारा। सो गाइस यहाँ पर बच्चों के और मामा के मन से ही चल रहा था, तो उनके हिसाब से ही आज हमने खाना खाया है। चलिए हो गया हमारा खाना। सो गाइस अभी हम आ गए हैं पान खाने के लिए क्योंकि अब हैवी खाना खा लिया, अब पचाना भी पड़ेगा उसको। वो जितना चिढ़ाएंगे देख देख कितना लाड़ में आ रहा, वो खुशी को डरा रहा, वो उसको मत डरा रे। इतना हकालते फिर भी वो देखते हैं, इतना हकालने के बाद में भी लाड़ में आता। खुशी का दुश्मन, खुशी का दुश्मन। हाँ वो देख खुशी, हाँ ए तू भी मेरा लाड़ कर, मेरा लाड़ कर। खुशी तू मेरे पास नहीं है भाई, कुछ नहीं है मेरे पास पैसे नहीं भाई मेरे पास। चल नीचे जा रहे, जा वो ला रही मुझे। चलिए यार आ गए हम। सो गाइज हम घर पे आ गए हैं और हमारा बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो गया, सिंपल तरीके से हमने बर्थडे सेलिब्रेट करे।
सो हम तो शर्मा जी ने केक वगैरह सब मना कर दिए थे, लेकिन भैया ने लाए इसके लिए केक कट करा उन्होंने। सो ठीक है, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। सो चलिए आज का ब्लॉग हम यही एंड करेंगे। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय। बेल्ट उतर।